माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष श्री आशीष प्रताप सिंह द्वारा एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि जो शासन है उसको ये निर्देशित किया जाए कि वह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ फंक्शंस कर रही हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें और उनको यह भी निर्देश जारी किए जाएँ कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य शासन द्वारा कोविड के संबंध में जारी गाइडलाइंस का पालन करें और उनका पालन न करने वाले लोगों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कार्रवाई करें और साथ ही ये फंक्शन जो है इनको रोका जाए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। संज्ञान लेने के बाद प्रारंभिक अंतरिम सहायता के रूप में यह निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रहित में और जनहित में यह अपेक्षा की जाती है शासन से कि आगामी सुनवाई दिनांक तक पॉलिटिकल फंक्शनरीज और स्टेट फंक्शनरीज जो हैं वो कोविड 19 प्रोटोकॉल की गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की विषय वस्तु देखते हुए श्री संजय द्विवेदी, मुझे राजू शर्मा और वीडी शर्मा अभिभाषक को न्याय मित्र भी इसमें नियुक्त किया है और यह निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी भी कोविड गाइडलाइन का किसी प्रकार से उल्लंघन होता है माननीय न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश में जारी निर्देशों की कोई अवहेलना होती है तो उसके संबंध में हम तुरंत प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करें। प्रकरण में आगामी दिनांक 28 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में रखी है, परंतु यदि बीच में किसी इस आदेश का कोई उल्लंघन पाया जाता है और उसके संबंध में न्याय मित्रों में द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है तो यह प्रकरण पहले भी सुनवाई में लिया जा सकता है।